मध्य प्रदेश में बगावत के आगे कांग्रेस झुकती हुई नजर आ रही है और इसका जीता जागता सबूत आपकी आंखों के सामने है। ये उन चार बदले हुए उम्मीदवारों के नाम हैं जिन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। दरअसल इन सीटों पर पार्टी की तरफ से तय किए गए उम्मीदवारों का लगातार विरोध हो रहा था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से नए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई, जिसमें कांग्रेस ने सुमावली सीट से कुलदीप सिकरवार की जगह फिर से अजब सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पिपरिया सीट से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र वेलवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह वडनगर विधानसभा सीट से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल और जौरा विधानसभा सीट से हिम्मत श्रीमल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद अटकलें ये भी हैं कि कांग्रेस कुछ और सीटों पर भी उम्मीदवार बदल सकती है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे के बाद बगावत की आग भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर तक पहुंच गई थी। बड़े नेताओं को उनके समर्थक क्षेत्रों में घेर रहे थे, कुछ पाला भी बदल रहे थे। ऐसे में ये सारी चीजें चुनाव से पहले पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही थी, जिसके चलते कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया। अब क्या चुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।